आइए साथियों, आपका एक बार फिर भगत जी प्रोडक्शन में स्वागत है और आपको आज ले चलते हैं मुखर्रा रोड नौलखा पर चौहान मार्केट में, जहां संत रामपाल जी महाराज का एक छोटे से स्तर का सत्संग हो रहा है। इसमें आज दिखाते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने क्या क्या व्यवस्था कर रखी है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, यहाँ आपकी क्या सेवा लगी है? सर, हमारी सेवा यहाँ पार्किंग में लगी हुई है, संत रामपाल जी महाराज की दया से। और भारतीय राजनेता के प्रभाव भी जीते। ये देखिए, पुस्तक सेवा लगा रखी है, जिसमें इस समय की स्थिति में एक पॉपुलर पुस्तक चल रही है, जीने की राह। इस पुस्तक सेवा के स्टॉल पर जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, भक्ति से भगवान तक, अंतरा भक्ति खतराए जान, और एक पुस्तक और है इसके अंदर, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से लिखा है, कौन कितने पानी में। तो आइए आपको ले चलते हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने एक जलराम की व्यवस्था की हुई है, और यहां पर सब बहनें सफाई राम की व्यवस्था कर रही हैं। देखिए आप, कितने सफाई की व्यवस्था है कि दो दो तीन तीन बार गिलास की सफाई हो रही है। तो आइए देखिए, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने यहाँ बुक स्टॉल लगा रखी है। तो आइए इनसे जानते हैं ऐसा सत्संग में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं और उन बुकों के अंदर कैसा ज्ञान है। नमस्ते जी। नमस्कार जी। सत साहिब, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का आज यहाँ पर सत्संग चल रहा है। इस सत्संग में बताया, सत्संग में सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताया जाता है कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कैसे करनी है, दुर्गा देवी की कैसे करनी है, हमको मनुष्य का जन्म क्यों मिला है, हमें किस लिए मिला है, और हम करना क्या चाहिए, कर क्या रहे हैं, वो सब ज्ञान हमारे गुरुदेव जी बताए जाए, मतलब सत्संग के माध्यम से बताते हैं। वही ज्ञान पुस्तकों में भी विद्वान है, सभी शास्त्रों से प्रमाणित। तो देखिए, यहाँ पर जूता स्टॉल लगा रखी है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने, इनसे जानते हैं ये जूता की घर की कैसे व्यवस्था करते हैं। देखिए जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग चल रहा है, मंगल प्रवचन चल रहे हैं, ये यहाँ पर बहुत ही हमारे संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था जूते और चप्पल की गई है, जिससे कि कोई प्रकार की कोई हस्तक्षेप ना हो, गुम नहीं हो। इसलिए ये मतलब क्या है, हम जैसे ये है, ये नंबर दिया जाता है हर किसी को, जैसे हम नंबर एक चिपका दिया और एक नंबर हम इंडिविजुअल दे देते हैं उनको, जिससे कि हम जो चप्पल जो हमें लेने आएंगे तो वो नंबर वो हमें दे देंगे और वो वापस कर देंगे उनको, जिससे कि आसान हो जाता है, किसी प्रकार का कोई मतलब गुम होने के चांस नहीं है। तो परमात्मा की दया से ये सेवा मतलब चल रही है। तो आइए, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने एक चाय की स्टॉल की तरह लगा रखी है, जहाँ चाय राम की व्यवस्था चल रही है। तो आइए जानते हैं इनसे ये चाय की व्यवस्था किस प्रकार रहती है। नमस्कार सर। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो आप चाय राम की व्यवस्था देख रहे हैं, तो यहाँ पर चाय राम का कितना शुल्क लिया जाता है? नहीं, ये बिगर कुछ नहीं लिया जाता है, तो परमात्मा की तरफ से ही चाय जो है, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। सबको जितने भगत आते हैं, जगत वाले आते हैं, बिस्कुट राम चाय राम वैसे ही निःशुल्क दिया जाता है। तो आइए, हमने इस चीज़ की जानकारी ली संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से, तो इन्होंने बताया कि ये सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाती हैं, जिसका कोई भी शुल्क चार्ज नहीं लिया जाता, निःशुल्क चाय व्यवस्था की जाती है उस तरफ जहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने यहाँ पर प्रणाम स्थल बना रखा है, जिस पर ये प्रणाम करते हैं और यहाँ पर ही सत्संग चल रहा है। ये चौहान मार्केट की दूसरी मंजिल है, यहाँ पर कुछ बहनें सत्संग बड़े शांतपूर्वक सुन रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कितनी शांति प्रभाव सत्संग सुन रहे हैं, और LED द्वारा सत्संग चल रहा है, और कितनी अच्छी व्यवस्था है, एक तरफ बहनों की व्यवस्था है, एक तरफ भाइयों की व्यवस्था है, और शांतिपूर्वक सभी लोग शांति से सत्संग सुन रहे हैं। इस समय कुछ लोगों की आने की जनसंख्या कम है, क्योंकि सत्संग सर्दी के मौसम में थोड़ा लेट शुरू होता है, तो जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो आते जा रहे हैं, थोड़ी देर में ही ये
जो सत्संग स्थल है हो सकता है परमात्मा की दया से पूरा भर जाए। तो आइए आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से और हम आपको नई अपलोड दिखाते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आइए आपको हम आगे भी अपलोड करते रहेंगे नई खबरों के लिए। भगत जी प्रोडक्शन, जय हिंद जय भारत।